गतविधी मंडळाच्या अधिवेशनात पत्रकार संरक्षण कायद्याच्या मसुद्याचा अध्यादेश जारी केला आहे. प्रत्यक्षात कायद्याची ही अंमलबजावणी झाली नाही. या विरोधात राष्ट्रीय पत्रकार दिनाचे औचित्य साधून वाशीतील छत्रपती शिवाजी महाराज चौकात नवी मुंबईतील सर्व पत्रकार संघटना व छायाचित्रकार संघटनांनी एकत्रित येऊन हे आंदोलन यशस्वी केले. या आंदोलनामध्ये नवी मुंबईतील सर्व पत्रकार आवर्जून उपस्थित होते. राष्ट्रीय पत्रकार दिन की सबसे पहले तो सबको हार्दिक शुभेच्छा है. आज हम लोगों ने नवी मुंबई के सारे पत्रकार, इन्होंने वाशी के छत्रपति शिवाजी महाराज चौक में निषेध आंदोलन किया कि जो पत्रकार संरक्षण कायदा का मसूदा जो सरकार ने मान्य करके उसको मान्यता दी है, बट उसका अमल बजावनी अभी तक सरकार की तरफ से नहीं हो रही, उसका निषेध करने के लिए उसी के साथ में मजिठिया आयोग जो है उसकी सिफारिशें जो है, उसकी जो रिकमेंडेशन जो है वो लागू होनी चाहिए. इसके लिए सरकार आग्रह नहीं कर रही है. सरकार का ऐसा कहना कि मालिक लोग उसमें अड़ंग डाल रहे हैं, लेकिन उसके लिए भी अगर मजिठिया आयोग का सिफारिश लागू हो जाता है, वो लागू आयोग लागू हो जाता है, तो पत्रकारों की छवि काफ़ी सुधरेगी. उनकी हालत जो बदतर है आज, वो काफ़ी सुधर जाएगी. पत्रकारों पर जो हमले हो रहे हैं उसके खिलाफ जो पत्रकार संरक्षण कायदा संबंध हुआ है उसकी अमल बजावनी जल्द से जल्द आने वाले ये वाले अधिवेशन में हो जाए, इस तरह की मांग आज हम लोगों ने वहाँ पर की है. निवेदन हमने कोकण आयुक्त के पास हमारी मांगे लेके निवेदन दिया है. उन्होंने कहा है कि आपकी जो ये आवाज़ है, आपकी जो मांगे है, ये हम सरकार तक आगे ऊपर तक हमारे माध्यम से पहुँचाने की कोशिश करेंगे. सर, कुछ टाइम दिया उन्होंने या सिर्फ ये आश्वासन देकर? नहीं, अब कोकण आयुक्त के पास में निवेदन दिया है तो उनका तो काम सिर्फ आगे बढ़ाना है. अभी आगे सारे राज्य भर में आज निदर्शन हो रहे हैं और शासन उसकी दखल ले रहा है, क्योंकि हमारे पीछे आज जेड टाइप की सिक्योरिटी में हम लोग घूम रहे थे कोकण आयुक्त के कार्यालय में. हाँ, हमारे चप्पे चप्पे पे जहाँ जहाँ हम लोग जा रहे वहाँ पर हम लोग को पुलिस का प्रोटेक्शन था और इसकी पूरी रिपोर्टिंग उनके एक आदमी ने हमको बताया कि इसकी पूरी रिपोर्टिंग गृह मंत्रालय को जा रही है. राज्य स्तर पर हमारे जो लीडर काम कर रहे पत्रकार संगठना के एक जो है, तो उनके आदेश के हिसाब से अगर आने वाले हिवाली अधिवेशन में विंटर सेशन में अगर ये कायदा का अमल बजाने के लिए सरकार अगर फिर कुछ टाल मटोल करती है तो उनके निर्देशानुसार हम लोग आगे की आंदोलन की दिशा रायगढ़, पनवेल, उरण, थाना, मुंबई, ऐसे कई जगह पे आज पत्रकार संगठनों ने ये राष्ट्रीय पत्रकार दिन के माध्यम से सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए, और उसके साथ साथ एक जो नंबर जारी हुआ है SMS का, उसमें लाखों SMS आज मुख्यमंत्री के मोबाइल के अंदर पत्रकारों के पहुँचने वाले है. पत्रकारांच्या या आंदोलनाला मनसेचे शहर अध्यक्ष गजानन काळे व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी पाठिंबा दिला. आंदोलन संपल्यानंतर पत्रकारांच्या या शिष्टमंडळाने कोकण विभागीय आयुक्त जगदीश पाटील यांना मागण्यांचे निवेदन सादर केले. त्यानंतर कोकण उपयुक्त शालीमडी यांची भेट घेऊन निवेदन सादर केल्यावर कोकण विभागीय माहिती उपसंचालक डॉक्टर गणेश मुळे यांची भेट घेऊन सरकारला आमच्या मागण्या कळाव्यात असे आवाहन केले. आज राष्ट्रीय पत्रकार दिवस आहे आणि दरवर्षी आम्ही हा दिवस साजरा करतो, पण वाईट वाटतो की यावर्षी आम्ही हे साजरा न करता सर्व पत्रकार राज्याचं महाराष्ट्र राज्याचं ठरवलं आहे की आज आम्ही आमच्या संरक्षणाच्या अधिकारासाठी आम्ही आंदोलन राज्यभर करणार आहे आणि सर्व पत्रकार संस्था जेवढे आहेत ते सगळे एकजूट होऊन आज निषेध करून आंदोलन करत आहेत की गव्हर्नमेंट शासनाकडून आपली एकच मागणी आहे की या येणारा हिवाळी अधिवेशनला या पत्रकार संरक्षण कायदा हे बिल पटलावर आणावं आणि पत्रकारांना एवढा वर्षाचं जे मागणी आहे ते पूर्ण करावं. कॅमेरामॅन हर्षद खुपटेसह शिवानी साळुंखे, FS News, नवी मुंबई.